आप इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतिहास बदल गया है, जैसे कि सीएम योगी ने कहा था कि इतिहास बदलेगा और उन्होंने इतिहास बदल दिया। हम बात कर लें अगर अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ की 7 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। हालांकि टक्कर कई सीटों पर सख्त हुई, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बाजी मार ली। आइए जान लेते हैं किसको कहां से कितने वोट मिले। इगलास सीट की बात की जाए तो यहां से बीजेपी के राजकुमार सहयोगी जीत का डंका बजाते दिख रहे हैं। 1,26,166 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि आरएलडी के बिपुल सिंह ने 66,240 वोट ही प्राप्त किए। खेर विधानसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अनूप सिंह पर अपना भरोसा जताया था और अनूप सिंह ने 1,15,275 वोट प्राप्त किए। बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के दोनों प्रत्याशी भी कुल मिलाकर इतने वोट नहीं ला पाए। बहुजन समाज पार्टी ने 56,007 वोट हासिल किए, जबकि आरएलडी ने 30,638 वोट प्राप्त किए। अगर बात की जाए कोल की, तो कोल का मुकाबला सख्त था। कोल का मुकाबला कांटे का था। कांटे की टक्कर में कई बार रुझानों में अज्जू इसहाक बहुत आगे जाते दिखाई दिए, तो कभी अनिल परासर बहुत आगे जाते दिखाई दिए। दोनों ने ही 1,00,000 वोटों का जादुई आंकड़ा भी पार किया, लेकिन विजय अनिल परासर को मिली। बोरौली विधानसभा में नज़र डाली जाए तो ठाकुर जयवीर सिंह का कोई सानी नहीं था। ठाकुर जयवीर सिंह ने कुल 1,47,328 वोट प्राप्त किए, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 57,047 और आरएलडी को कुल 32,511 वोट मिले। यहां से जयवीर सिंह ने एक बड़ी जीत दर्ज की। अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के संदीप कुमार सिंह आगे बढ़ते चले गए और भारी मतों से विजयी हुए। अलीगढ़ शहर की बात की जाए तो जफर आलम और मुख्तार राजा में मुकाबला टक्कर का था। कई बार जफर आलम आगे बढ़ते दिखाई दिए, तो रुझानों ने कभी मुख्तार राज को भी आगे दिखाया। आखिर में मुख्तार राज ने जफर आलम को 12,500 वोटों से मात दे दी। तो कुल अलीगढ़ की 7 सीटों में से 3 सीटों पर सख्त मुकाबला रहा समाजवादी पार्टी का, लेकिन जीत बीजेपी की हासिल हुई। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।